क्या आपको पता है, जब भी किसी को एक WhatsApp मैसेज आता है तो 90% बार वो मैसेज ओपन होता है जो ईमेल से या SMS से बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए दोस्तों WhatsApp मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जहाँ लोगों का कॉन्वर्जेशन ज़्यादा होता है वहाँ कस्टमर को कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। और इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो और व्हाट्सएप में प्रॉपर सेल्स सेटअप कर सकते हो। तो इस कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ डिटेल में, डीप में कवर करेंगे, जिसके अंदर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें जान जाएंगे। इस कोर्स में हमने हर एक लेसन ऐसा डाला हुआ है जो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए या व्हाट्सएप में किसी भी प्रकार की चीज़ को सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊँ तो इस कोर्स में तीन चीज़ों के थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुई है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है ट्रिक्स और टेक्निक्स। व्हाट्सएप में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स यूज़ करना पड़ता है जिससे आप इजीली स्केल कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक की रीच कर पाएँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक की कम्युनिकेट कर पाएँ। तो जितनी भी टेक्निक्स होती है, स्ट्रेटजीज़ होती है, वो इस कोर्स में सारी सिखाई हुई है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर्स और टूल्स। व्हाट्सएप मार्केटिंग बिना सॉफ्टवेयर के, बिना टूल्स के अधूरा है, और मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हम इस कोर्स में बताएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर सही है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर सस्ता है, किस सॉफ्टवेयर से आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर या टूल ट्रस्टवर्दी है। सिर्फ यही नहीं, हम पूरा व्हाट्सएप मार्केटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी की केस स्टडीज़। हम ये बताएंगे कि कैसे बड़ी कंपनियां व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करती है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। हम अलग अलग स्टार्टअप के एग्जांपल्स को बताएंगे कि कैसे वो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं ज़्यादा ऑर्डर्स लाने के लिए, ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, और तो और अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम सोशल सेलर एकेडमी में व्हाट्सएप मार्केटिंग को यूज़ करते हैं कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए। मैं हमारा भी पूरा सेल्स फनल बताऊंगा, पूरा बताऊंगा कि कैसे हम यूट्यूब से कन्वर्ट करते हैं लोगों को, किस तरीके से यूट्यूब से हमारे पास लीड्स आती है, और हमारा जो प्रोसेस हमने सेट करके रखा है वो भी मैं आपको इस पूरे कोर्स में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये 14 लेसन का हमारा पूरा व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स है। इसको अगर आप शुरू करेंगे तो आप एक हफ्ते के अंदर इजीली इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपको कोई भी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए एक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन, व्हाट्सएप, और हाँ कुछ सॉफ्टवेयर्स तो लगेंगे ही ऑफकोर्स। तो अगर आप ये सुन के एक्साइटेड हो और आप कोई भी बिजनेस करते हो, ऑफलाइन बिजनेस करते हो या ऑनलाइन बिजनेस करते हो, और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, तो ये कोर्स के ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके काफ़ी काम आ सकता है। आइए दोस्तों, अब हम डिटेल में समझते हैं कि इस कोर्स में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग वर्क करती है। इसमें मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा और बेसिक पॉलिसीज बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के व्हाट्सएप होते हैं, कौन कौन से व्हाट्सएप के प्रोडक्ट्स होते हैं, और इन अलग अलग व्हाट्सएप का क्या यूज़ केस होता है। फिर तीसरे लेसन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हाट्सएप बिजनेस में कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन कौन सी ट्रिक यूज़ करके हम व्हाट्सएप बिजनेस पे ही अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ लेसन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए डेटाबेस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। इस लेसन में मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे आप डेटाबेस कलेक्ट करते हो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए। याद रखना, डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद फिफ्थ लेसन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे व्हाट्सएप में बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, बल्क में प्रमोशन करते हैं, और हजारों लोग को आप व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लेसन में मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का पूरा टेक्निक बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों सिक्स्थ लेसन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, मतलब किस तरीके की फ़ोटोज़ बनाना चाहिए, कैसी PDF बनाना चाहिए, कैसी वीडियोज़ बनाना चाहिए, लिखना कैसे चाहिए, पॉइंटर्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे ताकि आपका मैसेज जो आप भेजने वाले अपने कस्टमर को वो सॉलिड रहे। अब दोस्तों सेवेंथ लेसन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कस्टमर लीड्स कैसे लेके आते हैं व्हाट्सएप पे। डेटाबेस कलेक्ट करना तो हम समझ गए, लेकिन उन डेटाबेस से हम लीड्स किस तरीके से निकाले और लीड्स को अलग कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस हम समझेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको एट्थ लेसन में बताऊंगा कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप बिजनेस API के लिए अप्लाई करते हो और आपको किस तरीके से आप व्हाट्सएप बिजनेस API ले सकते हो। तो इसका पूरा प्रोसेस, इसका पूरा ट्यूटोरियल कवर्ड है एक वीडियो के अंदर, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे और आप खुद से ही अपना व्हाट्सएप बिजनेस API का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद नाइन्थ वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हाट्सएप बिजनेस API के कौन कौन से फीचर्स होते हैं,
हम सारे फीचर्स को एक एक करके जानेंगे, फिर मैं आप सभी को बताऊंगा कि WhatsApp API में आप किस तरीके से ब्रॉडकास्ट कर सकते हो या बल्क में नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। उसके बाद दोस्तों मैं आपको 11th लेसन में बताऊंगा कि आखिर WhatsApp में सेल करने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, और फिर आगे कुछ लेसन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कस्टमर को मैनेज कैसे करते हैं WhatsApp पे, WhatsApp को ऑटोमेट किस तरीके से किया जाता है, WhatsApp पे अपने कस्टमर्स को रीटारगेटिंग किस तरीके से की जाती है, WhatsApp में अपने खुद का स्टोर किस तरीके से बनाया जाता है, और जो भी चीज़ें WhatsApp मार्केटिंग से या WhatsApp ऑटोमेशन से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हम नीचे वाले पार्ट में कवर करेंगे। ये सारी चीज़ खत्म होने के बाद दोस्तों मैं आप सभी को केस स्टडीज़ भी बताऊंगा कंपनी की, और ये भी बताऊंगा कि सोशल सेलर एकेडमी में हम किस तरीके से प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू मैनेज करते हैं अपने कस्टमर्स को। मेरे ऊपर अगर आप विश्वास करोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस कोर्स में आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा जिससे आप WhatsApp से ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर पाएंगे। और एक और चीज़ की भी मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी पैसा आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा वसूल हो जाएगा। कैसे वसूल होगा? एक तो आप सीखेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, उससे वसूल इजीली हो जाएगा, और दूसरी चीज़ कि आप कल के दिन इस कोर्स को आगे रीसेल भी कर सकते हो, इस कोर्स को अफिलिएट सेल्स भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस कोर्स में एंटर होंगे ऑटोमेटिकली आपको इस कोर्स की अफिलिएट लिंक भी मिल जाएगी। इस लिंक को आप अगर किसी को भी शेयर करते हो और कोई भी पर्सन इस लिंक के थ्रू अगर कोर्स को बाय करता है तो आपको 25% का कमीशन मिलेगा। और आप यही पूछेंगे ना कि आगे वाला इस लिंक के थ्रू क्यों बाय करेगा कोर्स को, तो आगे वाले कस्टमर को भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपकी लिंक से जो खरीद रहे हैं कोर्स उनको भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको भी 25% की अर्निंग होगी जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ना ही इस कोर्स से WhatsApp मार्केटिंग सीख सकते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, बल्कि इस कोर्स से सीख के आप WhatsApp मार्केटिंग करके इस कोर्स के अफिलिएट प्रोग्राम पे भी एनरोल कर सकते हैं, और अफिलिएट के थ्रू भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक दी हुई है जिससे आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कोर्स के अंदर।